नाश्ता। अब आपने नाश्ता भी कर लिया और दवाई भी खा ली, अब थोड़ा आराम कर लीजिए। ये आप क्या कह रही मां, वो मूर्ति अभी तक इस घर में है? हाँ बेटा, वो अभी भी हमारे घर में ही है। महाराज जी। जी बड़ी मां। सब नौकरों से कहिए घर का कोना कोना छान मारे, उस मूर्ति को ढूंढ निकाले और घर से बाहर करें। और हाँ, सबसे कह दीजिएगा कि जो वो मूर्ति ढूंढ निकालेगा उसे हमारी तरफ से बड़ा इनाम मिलेगा, हमारा वादा रहा। जी बड़ी मैम, आप चिंता मत कीजिए, हम सब काम पे लग जाते हैं। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। विवान बेटा। जी बड़ी मैम। इन सब पर नजर रखना, घर का कोई कोना छूटना नहीं चाहिए। जी। अरे बाबा, रे बाबा, आप लोग क्यों उस मूर्ति के पीछे पड़ गए हैं? आप लोगों के पास काम नहीं है, जाइए ना, अपना काम कीजिए। चित्रा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो सबसे? कैनो, चित्रा एकदम ठीक बोल छे। अरे आप लोग बस एक ही बात बोले जा रहे हो, बंद करो उस मूर्ति के बारे में सोचना, बहुत हो गया। संध्या जी, चल। तूने कहा था ना, किसी गेम की तरह समझो, तो ये है लोपा और मौसमी का गेम, मतलब कि मम्मी जी और ताई जी। मौसमी और लोपा, ये कौन है दी? वो लाबुनी की माँ और मासी थे, और उनका काम था हर वक्त लाबुनी को बचाना। और जब भी कोई भी लाबुनी को ढूंढने आया करता था तो वो उसे छुपा देती थी। इसका मतलब ये दोनों वही है, मतलब माँ या चाची जी के कमरे में वो मूर्ति। हाँ, पापा, माँ, मैं अंदर आ जाऊँ? अरे सिवर, आओ ना। पापा, चाय। अरे बेटा, चाय तो कोई भी ले आता, घर में इतने लोग हैं, तुमने क्यों कष्ट किया? वो पापा वो सब मूर्ति ढूंढने में बिजी हैं, तो मैंने सोचा मैं ले आऊं। अब मूर्ति ढूंढना भी तो जरूरी है ना। हाँ ये तो है, थैंक यू। माँ, चाय रख दो। अच्छी है। रख दी ना चाय, अब जाओ यहाँ से। संध्या जी, वो माँ कल रात को थी आपको यहाँ कमरे में छोड़ने आई थी ना, तो उनका ब्रेसलेट रह गया था, मैं ढूंढ लूँ उसे। नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है, जाओ यहाँ से। पर माँ। अरे बेटा, आराम से देखो। हाँ जी पापा। संध्या जी, देख लेने दीजिए। यहाँ पर कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। माँ, आपको शायद याद नहीं होगा, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। माँ, मुझे सब याद है सिमर, क्यों अपना समय बर्बाद कर रही हो? यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कहा ना मैंने। वो मैं माँ, वो बहुत दिनों से आपका कवर ठीक नहीं किया ना, मैं वो कर देती हूँ, जल्दी हो जाएगा। अरे अरे अरे, एकी, कहा ना मैंने कुछ नहीं है, तो फिर क्यों छुआ मेरी अलमारी को? हाँ बोलो। माँ मैं
सिमर, मैंने मम्मी जी का रूम देखा लेकिन वहां भी मूर्ति नहीं है। क्या बात कर रहे हो तुम दोनों, मूर्ति नहीं मिल रही है? अरे 5 फुट की मूर्ति है, कोई सुई नहीं, ऐसे कैसे घूम जाएगी? जाओ जाकर ठीक से ढूंढो। विवान जी। बड़ी माँ। फिर तुरंत एक काम करो, पिछले 2 दिनों के सारे सीसीटीवी फुटेज निकालकर हमारे पास लाओ। जी। बड़ी माँ बिल्कुल सही कह रही थी, इतनी बड़ी मूर्ति कैसे गुम हो सकती है जबकि वो है इसी घर में। नहीं, जरूर कोई मिसिंग लिंक है थी जो हमारे हाथ नहीं लगी। दी, अब हेबा फिर से वो आर्टिकल पढ़ी है ना, एक एक डिटेल पर ध्यान दीजिए। जरूर को छूट गया थी जो हमारे हाथ नहीं लगा और वो ही हमारी कहानी की मिसिंग लिंक है। हमें कैसे भी करके उस मूर्ति को इस घर से निकालना होगा थी, क्योंकि अब एक पल के लिए भी वो मूर्ति आरव जी या इस परिवार के पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है सिमर, तू चिंता मत कर, मैं अभी जाके सारे आर्टिकल्स फिर से रीड करती हूँ। अभी आई। बचा मुझे, कोई तो बचा मुझे, बचा! अरे जी, क्या क्या वो पूरा पूरा सपना देखा क्या? एक मिनट रुकिए। अरे जी, पानी पीजिए। सिमर, ऐसा लगा कि कोई मुझे मदद के लिए पुकार रहा था, किसी को जरूरत थी मदद की, बहुत तकलीफ में था वो। कोई बात नहीं आरव जी, सपना ही होगा। हाँ, शायद बुरा सपना होगा। वैसे आप कल रात को लॉन में गए थे क्या? लॉन में नहीं, मैं लॉन में कैसे जा सकता हूँ? अब कहाँ कहाँ जा रहे हैं आरव जी? वॉशरूम। मैं मदद कर देती हूँ। देखो, तुम्हारी मदद के बिना मैं वॉशरूम तक नहीं जा पाता, लॉन तक कैसे जाऊंगा? आराम से, आराम से। सिमर जी, सिमर, मुझे वो मिसिंग लिंक मिल गया। बड़ी माँ, मैंने पिछले 2 दिन का सीसीटीवी फुटेज डाउनलोड किया है। ये देखिए। ये सब क्या दिखा रहे हो विवान? जब तक आरव हॉस्पिटल से वापस आया था तब तक तो मूर्ति जला चुके थे, उसके आगे का दिखाओ। ओके ओके ओके, ये देखिए। ये क्या, ये तो सिमर, इतने समय से और कोई नहीं बल्कि आरव ही उस मूर्ति को छुपा रहा था। क्या? हाँ, ये आप क्या कह रही होती? हाँ सिमर, तूने कहा था ना कि कोई तो मिसिंग लिंक है, तो मैंने वो मिसिंग लिंक ढूंढ लिया। उस आर्टिकल का फर्स्ट पेज मिसिंग था और जब मुझे वो फर्स्ट पेज मिला तो उस पे साफ साफ लिखा था कि जब पूरी दुनिया लाबुनी को ढूंढ रही होती है हर जगह, तो अरिंदम उसे खुद अपने घर में छुपा लेता था, अपने घर में। सिमर, हाँ, अब वो कहानी दोबारा रिपीट हो रही है। हाँ भाभी, रीमा ठीक कह रही है, आरव भाई ही हैं जो मूर्ति को छुपा रहे हैं। नहीं, मैं ही नहीं मान सकती। विवान, दिखाओ दिखाओ सिमर को। ये देखिए। सिमर,
हो सकता है? दीप, मैं दिन रात आरव जी के साथ रहती हूँ, मुझे कैसे नहीं पता चला? हमारे कमरे में ये सब हो रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है जी? क्या हुआ सब? यहाँ बड़ी माँ, सिमर प्लीज हेल्प कर दो ना, दोनों पैर में बहुत दर्द हो रहा है। हम सही थे। रीमा बहू, जाओ सबको बुला के लाओ। जी। सबने पूरा घर छान लिया और मूर्ति तो यहीं पे। सिमर, तुमने पूरा घर देखा था लेकिन अपना कमरा नहीं, ये कैसे हो सकता है? भाप, पहले आप आरव भाई को पूरे घर में ढूंढ रही थी और वो इसी रूम में मिले, और अभी स्टैचू भी यही आपका रूम है कि भूल भुलैया? रियांश, प्रॉब्लम रूम की नहीं है, प्रॉब्लम इस मूर्ति की है। अरे भाई, आपको ये देखना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? मैं अकेले कैसे लाया है इसको? मूर्ति इतनी भारी है और मैं अकेले कैसे? मेरे पैर में चोट भी है। यकीन तो मुझे भी नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर ये वीडियो नहीं देखा होता तो हम में से किसी को भी यकीन नहीं होता कि तुम मूर्ति को लेके आए। नहीं चाचा जी, ये सब आरव जी ने खुद से नहीं किया, ये सब जो कुछ भी हो रहा है इस मूर्ति की वजह से हो रहा है। इसके जादू के असर से ही आरव जी ने ये सब किया। आपने वीडियो में देखा था ना आरव, आरव जी की आंखें बंद थी। बस बहुत खेल हो गया इस मूर्ति का, अब इस मूर्ति को यहां से बाहर निकालना ही पड़ेगा, अभी के अभी। बड़ी मां, गुरुजी आए हैं। गुरुजी आ गए? बेटा, हमने ही गुरुजी को यहां बुलाया है, यहां ले आओ।
प्रणाम गुरुजी। देखिए गुरुजी, मूर्ति हमारे ही घर में थी, यहाँ इसी कमरे में। अब बताइए इस मूर्ति का क्या करना है। जरूर, निकालो इसे अभी के अभी। इस मूर्ति को यहां से निकालो। गीतांजलि, इस मूर्ति की आबो हवा बिल्कुल सही नहीं है। सर से पांव तक ये अपने आप में एक बड़ा है। और इस मूर्ति का इस घर में एक पल और रहना भी खतरे से खाली नहीं है। निकालो, निकालो इसे, निकालो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये मूर्ति यहां से कहीं नहीं जाएगी। आरव, और क्या परेशानी हो रही है आप सबको इस मूर्ति से? ये मूर्ति किसी का क्या बिगाड़ रही है? क्या आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हर जी, प्लीज शांत हो जाए। गुरुजी ने जो कुछ भी कहा हमारे भलाई के लिए कहा। नहीं, मैं नहीं मानता। ये मूर्ति यहां से नहीं जाएगी। आप जी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ये मूर्ति इस घर में नहीं रह सकती। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए आरव जी, प्लीज प्लीज मेरी बात मानिए। हरिजी, हरिजी पर